जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 9:41 AM, 9:41 हुई है सुबह की, 28 मई 2020, और थर्सडे गुरुवार मंथली एक्सपायरी आज। तो देखते हैं, मार्केट तो एज इट इज़ वैसा ही हुआ है जैसा कल मैंने वीडियो में बताया था कि एक बार तेज जरूर करेगा, क्योंकि जिनको कल कल फंसाया था लंबा, उनको आज रुलाना पड़ेगा उसको कि भैया काट ले, वरना तू जग गया काम से। तो ऐसा बोल भी नहीं सकता कि भैया तेज़ी कंटिन्यू भी नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं बोल सकता। बट मैं 11:37 पर एक बार और मार्केट को देखना चाहूँगा। तो मैं चेक करूँगा 11 बजे तक जो हाई बनता है, 11 बजे तक, 11 AM तक जो भी हाई बनता है, बाद में वो 11:37 के बाद वो हाई टूटता है कि नहीं। 11 बजे तक जो भी हाई बनेगा वो 11:37 के बाद टूटता है कि नहीं, वो चेक करूँगा। अगर नहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो मैं वहाँ पे शॉर्ट में रहूँगा, और मुझे तो यहाँ पे भी शॉर्ट करना ही बनता है, क्योंकि मार्केट ने आज खोला ही तेज है और कंटिन्यूस तेज़ी कर रहा है। तो ऐसा है कि वो इतना टानेगा भी कि एक बार आपकी सांस फूल जाए जो शॉर्ट की है, और वो मजबूरन अपना सौदा काट ले। लेकिन आज की मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ये जो 3% प्लस दिख रहा है ना, ऐसा ही 3% माइनस का फिगर भी शाम को आ सकता है। लेकिन ये सारी बातें मैं 11:50 पे कंफर्म करूँगा आपको, 11:50 पे, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, 11:50 11:50 AM पे। तो ये 3% प्लस दिख रहा है, ये 3% माइनस दिख सकता है आज, ऐसा मेरा मानना है। और ये निफ्टी का जो 1% प्लस दिख रहा है वो 2% माइनस दिख सकता है आज। तो आज मैं थोड़ा सा सबसे अलग व्यू दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ी हंसी भी आ रही होगी, नो मैटर, और रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैंने कल भी बताया था, बट मैं अपने व्यूज़ कभी चेंज नहीं करता हूँ। तो मैं देखता हूँ 11:37 पे क्या अवस्था रहती है मार्केट की। तो मुझे तो लगता है कि इधर भी शॉर्ट करना ही चाहिए, कितना भी हो, अभी भी एवरेजेस जो है वो सपोर्टिव नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको, और हांगकांग का मार्केट आप देख रहे हो कंटिन्यू गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आज फंसाने के चक्कर में है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मैं भैया, ये मार्केट है, अपन को होशियारी नहीं करने का। तो मैं सबसे पहले एवरेजेस फटाफट क्लिक कर देता हूँ आपके लिए, सबको एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ मैं, एक सेकंड लगेगा अभी। तो बैंक निफ्टी का मैं फिर से खोल दूंगा, लगेगा तो। तो आप देखो अभी भी एवरेजेस में जो है, नहीं, 5 वाली आ गई, 10, इसकी तो 5 के ऊपर ही थी, सॉरी, बैंक निफ्टी का देखते हैं हम, 10 वाली आ गई कि नहीं, वही है तो देख ले, 5 वाली तो है। चलिए मैं बैंक निफ्टी देख के फिर देखता हूँ। हाँ, अरे यार, ये भी 5 की एवरेज तो चेंज हो गई है, आ गई भाई, 10 से ऊपर आ गई। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने इतना उछाल मारने के बाद ये तो ला दिया, अब ये मेंटेन रखता तो भाई साहब, प्रमोद जैन साहब, आज तो खतरे में, आपके व्यू खतरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल 5 वाला ये में वो नीचे था 10 वाले से, तब मैंने बोला था, तो ये ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब ये आज से लेके 5 दिन का डाटा लेता है, यानी कि आज की मूव, कल की मूव, ये दिन की, ये 5 कैंडल ये लेके चल रहा है, ठीक है। इसके पहले ये वाली, ये 5 कैंडल लेके चल रहा था, उसके पहले ये 5, तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन बड़े मूवमेंट आने के चक्कर में इसकी 5 डे की मूविंग एवरेज बहुत सिग्निफिकेंटली जंप की है। तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट आ गया, लेकिन अभी भी 10 और 20 में बहुत बड़ा फासला है। तो अगर आज इंट्राडे में तेज़ी भी रहती है तो ये सस्टेनेबल आज नहीं रहेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही है कि सेकेंड हाफ पूरा का पूरा बियर्स कर रहेगा आज, कितनी भी तेज़ी कर लो, ठीक है। फिर भी समाउ 5 EA मैंने क्रॉस किया, तो एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि भैया 11:37 तक चुपचाप रहो, ट्रेड मत करो, अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हो प्रमोद जैन की तरह, क्योंकि मैं रिस्क लेने में रुकता नहीं हूँ, लेकिन रिस्क उतनी लेता हूँ, वहाँ स्टॉप लॉस पहले डालता हूँ फिर सौदा करता हूँ, ठीक है, रिस्क लेता हूँ लेकिन स्टॉप लॉस डाल के। तो मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट करना बनता है, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर 410 का स्टॉप लॉस डालूँगा, 410 बैंक निफ्टी में, और मुझे कहीं ना कहीं ये शाम को 3% माइनस दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू, आप अभी कुछ भी मत करिएगा, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, 11:37 तक शांत रहिए, फिर देखिए मार्केट किस तरफ करवट बदल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 EM आज ऊपर आ चुका है। तो मुझे आपको सच्चाई बताना हमेशा ज़रूरी रहता है, और ये अच्छी साइन होती है 5 EM की वैल्यू ऊपर आ गई है आज। तो आई मे कम आउट रॉन्ग टूडे ऑल्सो।